आज हम देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे हम चाहते हैं तो ही बोलना कि हम आराम से सबके सामने फ्रेंकली बोले, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हुए भी नहीं बोल पाते क्योंकि हमें झिझक होती है कहीं वो गलत ना हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपके मन का जो ये डर है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम क्लियर करेंगे वो होगा अल्फाबेट, लेटर्स, वर्ड, वोकैबुलरी एंड सिलेबस। थोड़ा छोटा आता है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है वी हैव तो ठीक है बच्चों, आपको बताया कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि जो हमारी झिझक वो ख़त्म हो जाए। तो आपको बताया था इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट, वोवेल, वर्ड, सेंटेंस, सिलेबल। तो सबसे पहले हमने कहा हम देखेंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी किसी भी लैंग्वेज की जो बेसिक होती है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है। आप हिंदी में क्या होता है? अ आ इ ई पूरा होता है स्वर से लेकर व्यंजन तक। उसी तरह इंग्लिश में भी हमारे पास होते हैं अल्फ़ाबेट, और हमारे पास कुल 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। सेकंड, लेकिन एक चीज़ इसमें अल्फ़ाबेट में और क्या बात है, इस अल्फ़ाबेट के दो पार्ट होते हैं जिसमें 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। नेक्स्ट जो था हमारा था वो लेटर्स, यानी लेटर्स किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में हम जिसे वर्ण कहते हैं, ठीक है, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर्स। लेटर्स को हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं, वॉवल एंड कंसोनेंट। तो वॉवल किसे कहते हैं? आपको कई बार पढ़ाया गया है, अभी हम उसको देखेंगे। तो अभी तक हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे लेटर्स। लेटर्स में आपको बताया था कि 5 वॉवल्स होते हैं और उनके बाद बचे हुए 21 हमारे पास कंसोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम वॉवेल देखेंगे। वॉवेल क्या होता है? आपको हमेशा ये बताया जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर में हमारे 5 वॉवेल्स हैं। अब 5 वॉवेल्स कौन से हैं? द लेटर्स। सबसे पहले तो वॉवेल्स हमें पता है, इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड स्वर, कंसोनेंट इट इज़ कॉल्ड व्यंजन। तो स्वर क्या होता है? स्वर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस विथ ओपन माउथ, ठीक है, स्वर जो होता है हमें ओपन माउथ बोलना होता है, अलाउिंग द फ्री फ्लो टू द एयर आर कॉल्ड वॉवेल्स। आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझनी है क्योंकि आगे आपके काम आएगा। तो द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस विथ ओपन माउथ अलाउंग द फ्री फ्लो टू द एयर आर कॉल्ड वॉवेल्स। इसीलिए क्या कहते हैं, इसे हम वापस से समझेंगे कि जिन लेटर्स का उच्चारण किसी अन्य लेटर की सहायता के बिना किया जा सके वॉवेल्स कहलाते हैं। वॉवेल्स सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, इनके प्रोनंसिएशन के लिए हमें किसी अन्य लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो वॉवल है वो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। फिर हमने देखा कंसोनेंट, 5 वॉवेल्स हो गए, क्लियर है। अब हमने कहा कंसोनेंट, कंसोनेंट्स क्या होता है? द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड बाई स्टॉपिंग द एयर फ्लोइंग फ्रीली थ्रू द माउथ, क्लियर। स्वर क्या था? वोवल, ओपन माउथ, और ये क्या है? बाई स्टॉपिंग द एयर फ्लोइंग फ्रीली थ्रू द माउथ आर कॉल्ड कंसोनेंट। जहाँ वोवल के लिए कहा गया था कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, कंसोनेंट में क्या होता है कि इनके स्पेल के लिए टू प्रोनाउंस दिस कंसोनेंट इनको वोवल की ज़रूरत होती है। अब क्लियर है, 500 होते हैं वोवल, ए ई आई ओ यू, और बाकी कितने बच गए हमारे पास? 21। तो ये हमारे कंसोनेंट हो जाते हैं। एक अल्फ़ाबेट, अब हम देखेंगे वर्ड। वर्ड आपको बताया किसी भी अक्षरों को मिलाकर जो उनका ग्रुप बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वर्ड क्या होता है? एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है, लेटर्स तो हमने कई सारे मिला दिए, ठीक है, लेकिन अगर उनको हमने सिस्मेटिकली नहीं लगाया तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उनकी कोई मीनिंग नहीं होगी। इसलिए जो वर्ड होते हैं
वो कॉम्बिनेशन किसके होते हैं, मीनिंगफुल मीनिंगफुल कॉन्सोनेंट और वॉवल के, यानी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर सिग्निफाइंग, क्या सिग्निफाइंग करते हैं, ऑब्जेक्ट, एन एक्शन और अ मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग एक्सप्रेशन, तो वो क्या कहलाते हैं, इज कॉल्ड अ वर्ड। तो क्लियर है इतना आपको? अब इसको अगर हम और अच्छे से समझें तो क्या कहते हैं, लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से जब उस अक्षर समूह का कोई अर्थ बनता है तो उसे वर्ड यानी कि शब्द कहते हैं। क्लियर? अब एक चीज और जो आपको ध्यान देनी है, क्या कह रहा है, एक वर्ड के लिए कम से कम एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट का होना जरूरी है, क्योंकि अगर वॉवेल है तो वॉवेल के साथ हमें कुछ कॉन्सोनेंट चाहिए, कॉन्सोनेंट है तो उनके लिए हमें कोई वॉवेल चाहिए, सो दैट वी कुड स्पेल दैट पर्टिकुलर वर्ड। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं वॉवेल मिसिंग होता है, वॉवेल नहीं है लेकिन उस वर्ड में जो उनकी स्पेलिंग है, उनका जो प्रोनंसिएशन है, उसमें वॉवेल की ध्वनि आनी चाहिए, साउंड आनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, यदि वॉवेल ना हो तो उसकी ध्वनि वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे हमने लिखा है बॉय, ठीक है, बी ओ वाई, यहाँ पे वॉवल नहीं है, ओ है, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग लाइक एन वॉवल, तो यहाँ पे बॉय किसका एग्जांपल हो गया, अब एक वर्ड का। फिर हमने लिखा है कैट, स्कूल, मैन, एट्सेट्रा। क्लियर? अब आप कहेंगे कि ओ है, ए है, लेकिन ये वॉवल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी जो ए ई आई ओ यू हैं वो वॉवल होते हैं, तो इनके साथ एक्सेप्शन्स होते हैं, इस वजह से हर एक वर्ड अपनी अलग मीनिंग रखता है, चाहे उसमें वॉवल हो या ना हो। तो ठीक है बच्चों, हमने लेटर्स देखा, अब हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, वोकैबुलरी। आपको बार बार कहा जाता है कि अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करिए, क्यों, क्योंकि इसी के थ्रू हमें बहुत सारी ऐसे वर्ड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं जो हमें आगे आकर सेंटेंस बनाने में मदद करती हैं। तो अब हम वोकैबुलरी कहते किसे हैं, क्या कहते हैं, द स्टॉक ऑफ वर्ड्स। घर में पैसा होता है, फुटकर सबके पास होता है, लेकिन हम पिगी बैंक में उसको जमा कर देते हैं, तो वो क्या होता है, स्टॉक हो जाता है, कोई चीज़ हमें लेनी होती है या कभी किसी को ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें से दे सकते हैं, तो वो एक फिक्स अमाउंट हो जाता है। उसी तरह हमारे पास वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, लेकिन वो अगर कंबाइंड रूप में यानी एज अ स्टॉक हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन इंग्लिश ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, कि वोकैबुलरी हमारे पास स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, ऑब्वियस सी बात है हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इज नोन एज द वोकैबुलरी। क्लियर? वोकैबुलरी कितनी है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एयरक्राफ्ट, बी फॉर बॉय, बी फॉर बास्केट, बी फॉर बस, बी फॉर बलून, बिफोर बफेलो, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लर्न करते हैं, फिंगर टिप से होते हैं, ताकि हम जब भी कुछ काम करें, कुछ लिखना हो तो हमें जो शब्दकोश है यानी कि जो हमारी वास क्या कहते हैं वोकैबुलरी है, वो इतनी होनी चाहिए कि हमें फटाफट वो हमारे जबान से निकलती रहे। अब लास्ट जो पार्ट था हमारा वो था सिलेबल। सिलेबल क्या है, किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है, यानी हम जो भी बोलते हैं वो हम कई भागों में डिवाइड करके बोलते हैं, कहीं पे हमारी जीभ का यूज होता है, समवेयर वी यूज आवर टीथ, हम कहीं पे अपने गाल का यूज करते हैं, वो फोनेटिक्स में आता है। अभी हम सिंपल सी बात ये समझेंगे कि किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने में हम जिस पार्ट को बोलते हैं उसे हम सिलेबल कहते हैं। क्लियर? अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो अभी बताते हैं। सिलेबल में सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें एक या एक से अधिक सिलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक सिलेबल से काम चल जाता है, जैसे यू
गो एट्सेट्रा, ठीक है। इसमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक बार में हमने बोल दिया यू गो। अब कुछ ऐसे सिलेबस होते हैं जिनमें क्या होता है, दो चीज़ों को मिलाकर बोला जाता है, जैसे फादर, वाटर, मदर, ब्रदर, तो फादर, ठीक है। क्या हो गया, ये एक हो गया, ये दो हो गया, तो फादर, वाटर, मदर, ब्रदर एट्सेट्रा। कुछ ऐसे सिलेबस होते हैं जो जिसमें दो या दो से ज़्यादा होते हैं, जैसे अगर हम बात करें अ वर्ड ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल, तो इसमें कितने हो गए, ब्यू टी फुल, 1 2 3, ठीक है। एक हमने वर्ड और लिया है पॉसिबिलिटी, इट हैज मोर देन 1 2 3 4 5, देर आर 5 डिवीजन, पॉसिबिलिटी, ठीक है, हो गया। तो आपको क्लियर है कि किसी भी वर्ड में जो उस वर्ड का हम जितना भाग स्पेल करते हैं वो क्या होता है, हमारा सिलेबस होता है। तो रैंडमली हम एक बार हम देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्लियर है, अल्फ़ाबेट के बाद हमने क्या पढ़ा, अल्फ़ाबेट के बाद हमने पढ़ा लेटर्स, लेटर्स के बाद हमने पढ़ा वर्ड, वर्ड के बाद हमने पढ़ा वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के बाद हमने पढ़ा सिलेबस। अब इतना आप इसको एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे प्रोनंसिएशन के बारे में। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।